एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज का वीडियो होने वाला है स्किन केयर के ऊपर। आप सब लोग टाइटल देख के समझ ही गए होंगे। तो आप सब लोग जानते हैं कि स्किन केयर का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है क्लीनिंग का। अगर हम वही वाला जो प्रोसेस है हमारा फर्स्ट स्टेप क्लीनिंग का, उसी को अगर हम सही से फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे आगे आने वाले जितने भी स्टेप्स हैं उनकी कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी। सो इफ यू वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट क्लीनिंग, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साइड में एक बेल आइकन उसको ऑन करें जिससे आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो काफी सारे लोग समझते हैं कि क्लीनिंग का मतलब है कोई सा भी फेस वॉश लेना, उसको अपने फेस पे लगा के रब करना और पानी से धो लेना, राइट? बट इट इज रॉन्ग। तो हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि एक अच्छे फेस वॉश को सही टाइम पे और सही तरीके से अगर हम यूज करेंगे तो उससे हमें मिलेगी एक ग्रेट स्किन केयर रूटीन। आपको हमेशा वही फेस वॉश यूज करना चाहिए जो कि आपके स्किन टाइप को सूट करे। तो अगर आपको कोई भी स्किन प्रॉब्लम है लाइक एक्ने, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, तो मेक श्योर आपके फेस वॉश के अंदर वो इंग्रेडिएंट होने चाहिए जो कि आपके इन प्रॉब्लम्स को क्योर कर सके। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि मेरे पास है एक ऐसा फेस वॉश जिसको कि मैं यूज करती हूँ बिफोर माय स्किन केयर रूटीन। तो ये है न्यूड का स्किन ब्राइटनिंग टैन रिमूवल फेस वॉश। जैसे कि आप नाम से देख सकते हैं कि ये है एक स्किन ब्राइटनिंग फेस वॉश और ये सूट करता है ऑल स्किन टाइप्स को। तो ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। इसमें है केसर, हल्दी, चंदन। केसर हेल्प लाइटिंग स्किन कॉम्प्लेक्शन एंड रिमूव टैनिंग, एक्ने स्केयर्स एंड डार्क स्पॉट्स, एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ हल्दी ब्राइटन द स्किन। चंदन हील्स द हेल्प इंप्रूव स्किन इलास्टिसिटी एंड रिड्यूस पिगमेंटेशन। जिसे आप जानते हैं अभी वेदर चेंजिंग स्टार्ट है, सन एक्सपोजर ज़्यादा होगा जिसकी वजह से स्किन टैन हो जाएगी। बट सीरियसली, ये सन टैन को रिमूव करता है, आपके स्किन को यूवी रेज से भी प्रोटेक्ट करता है। एंड आपको पता है काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि एक बार फेशियल करवा लेंगे और ग्लो आ जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। ग्लो आता है डेली क्लीनिंग से। इस फेस वॉश को डेली यूज़ करने से आपको जो इंटरनल ग्लो है वो रेडिएंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें है स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ जो आपके स्किन को ग्लोइंग बनाएगा। तो मैं इस फेस वॉश को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ और मैंने अपने फेस के कॉम्प्लेक्शन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखा है और आप लोग मेरे फोटोज़ में भी क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं। So, इसको अप्लाई कैसे करना है? फर्स्ट वॉश योर हैंड और फेस वॉश को अपने हैंड पर लेकर के फेस पर सर्कुलर मोशन पे इसको घुमाना है, वो भी जेंटली। इसकी काफी माइल्ड फ्रेग्रेंस है जो बिल्कुल भी हार्श नहीं है एंड इसका टेक्सचर काफी ज्यादा लाइट है जो इजीली अप्लाई हो जाता है। इसे मसाज करना है फॉर 30 सेकेंड एंड बस क्लीन वाटर से अपने फेस को वॉश कर ले, देन टॉवल से वाइप कर लेना है। बात करते हैं इसको यूज कैसे करना है। मोस्टली फेस वॉश दिन में दो बार करना चाहिए, एक मॉर्निंग के टाइम पे और एक रात के टाइम पे। तो आपके स्किन टाइप या फिर आपके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग भी आप इसको दिन में 3 से 4 बार यूज कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स, ये वीडियो देख करके आप लोगों को पता लग गया होगा कि स्किन क्लीनिंग की राइट टेक्निक क्या है। आई मस्ट से जो लोग ये कहते हैं कि हमने सब कुछ ट्राई करके देख लिया है, तो अगर आप इस क्लीनिंग प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आई होप फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगा आपके स्किन ब्राइटनिंग में और टैन रिमूव करने में। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साइड में एक बेल आइकन है उसको प्रेस करें जिससे आपको मेरे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।